वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। दुनिया में ये इस नौयत का पहला वाकया था जब माइन कोलैप्स होने की वजह से 33 वर्कर्स जमीन से 2300 फुट नीचे फंस गए थे। 17 दिन की मुसलसल ड्रिलिंग के बाद चिली गवर्नमेंट ने उन 33 वर्कर्स को ढूंढ तो लिया था, मगर अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इन सब लोगों को बाहिफाजत बाहर कैसे निकाला जाए और तब तक उन्हें जमीन के नीचे जिंदा कैसे रखा जाए। वर्कर्स का मैसेज पढ़ने के बाद फौरन उस 6 इंच के सुराख से एक फोन लाइन और कैमरा नीचे भेजा गया। शदीद गर्मी, हब्स और भूख की वजह से वर्कर्स की हालत तश्वीशनाक हो चुकी थी। उनका अब तक जिंदा होना किसी मौजजे से कम नहीं था। जमीन से दोबारा राब्ता होने पर और अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात करने पर वर्कर्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वर्कर्स के शिफ्ट सुपरवाइजर लुइस ने उन्हें बताया कि माइन कोलैप्स होते ही उसने सारे वर्कर्स को जमा किया और उन्हें रेफ्यूज रूम तक ले गया। किसी भी हंगामी हालत या नागहानी आफत से बचने के लिए माइन के अंदर एक रेफ्यूज रूम बनाया गया था जिसमें 3 दिन का प्रिजर्व्ड खाना मौजूद था। लुइस ने पहले ही दिन से खाने पीने की अशिया बांटने पर हाथ रोक कर रखा था। हर वर्कर को सिर्फ 1 चम्मच टूना फिश और 1 घूंट दूध दिया जाता था, वो भी हर दूसरे दिन। इसके बावजूद वो खाना उन्हें सिर्फ 14 दिन तक चल सका। लुइस ने उन्हें बताया कि पिछले 3 दिन से उनके हलक से पानी का एक कतरा भी नहीं उतरा था। अगर माइनर्स को ढूंढने में जरा सी देर और हो जाती तो शायद वो बच ना पाते। अब सबसे बड़ा मसला ये नहीं था कि उस 6 इंच के सुराख से उन 33 लोगों के लिए खाना कैसे भेजा जाए। मसला ये था कि शदीद गर्मी, डिहाइड्रेशन और खाने की कमी की वजह से वो तमाम वर्कर्स निढाल हो चुके थे। नमकियात और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के बाद अचानक खाना मिलने पर उन्हें दिल का या फालिज का दौरा पड़ सकता था। इस मसले का हल निकालने के लिए चिली गवर्नमेंट ने नासा की फूड लेबोरेटरी से मदद मांगी। माहिर डॉक्टर्स की एक टीम ने कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और जरूरी मिनरल्स को मिलाकर एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिसे पाइप्स के जरिए नीचे भेजा गया तो वर्कर्स की जान में जान आई। खाना तो उन तक पहुंचा दिया गया था, मगर एक खदशा ये भी था कि 17 दिन से ताजी हवा, साफ पानी और धूप न लगने की वजह से उन्हें कोई फंगल स्किन इन्फेक्शन न हो जाए। वर्कर्स को अब जल्द अज जल्द बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने सर जोड़ लिया। मशवरा दिया गया कि उस 6 इंच के सुराख से बड़ा एक और सुराख बनाया जाए ताकि उस सुरंग से लोगों को बाहर निकाला जा सके। हिसाब लगाया गया कि इसके लिए कम से कम 21 इंच चौड़ी एक सुरंग बनानी होगी। अंदाजा था कि 21 इंच चौड़ी और 2300 फुट लंबी सुरंग बनाने के लिए कम से कम 90 दिन लग जाएंगे। इस आइडिया पर सवाल उठाया गया कि एक शख्स को इतनी गहराई से बाहर निकालने के लिए कम से कम 1 घंटे से ज्यादा वक्त लग जाएगा और अगर इस दौरान किसी का दम घुट गया तो फौरन मौत वाक़े हो जाएगी। लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स एक बार फिर हाजिर हुए और एक ऐसी कैप्सूल नुमा मशीन तैयार करने की पेशकश की जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए होंगे और वर्कर्स को उसमें लिफ्ट की तरह बिठाकर एक एक करके ऊपर खींच लिया जाएगा। जब तक ड्रिलिंग और कैप्सूल बनने का काम हुआ तब तक हुकूमत ने वर्कर्स के लिए आईपॉड्स का इंतजाम किया ताकि उनका वक्त कट सके। ज़हनी तनाव कम करने के लिए और अपने हौसले बुलंद रखने के लिए वो सब अक्सर मिलकर अपना कौमी तराना और कौमी नगमे गाया करते। ड्रिलिंग के काम को मजीद तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एडवांस्ड हैमर ड्रिलिंग रिग्स का इंतजाम किया गया। उम्मीद थी कि अब काम वक्त से पहले खत्म हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। पूरे 65 दिन की अथक मेहनत और मुश्किलात के बाद सबकी दुआएं रंग ले आईं। सुबह 8 बजे ड्रिलिंग का काम कामयाबी से मुकम्मल हो गया। ये खबर सुनते ही जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जश्न का समा बंध गया। चिली मीडिया ने पूरी दुनिया में ये खुशखबरी नशर की। सुरंग में नासा की एस्केप कैप्सूल
फिक्स करने के बाद तिब्बी अमले की जेरे निगरानी 13 अक्टूबर की सुबह 6 बजे 69 दिनों से जमीन में जिंदा दबे हुए वर्कर्स को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इस वाकये के बाद सैन होजे माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये किस्सा डीप डाउन डार्क नामी किताब की सूरत में दस्तयाब है और कुतुबबीनों को हिम्मत और उम्मीद ना हारने का दर्स देती है। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।